Assalamualaikum, Open Mic Cafe में मैं हूँ आपके होस्ट डॉक्टर रूपा। Because it's been a while कि आप लोगों की तरफ से बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सी फरमाइश आती है कि ओपन माइक कैफ़े में जिस तरह हम पहले बात किया करते थे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, वो अब क्यों नहीं करते। सो आपकी भरपूर फरमाइश पर अब वो तमाम सोशल इश्यूज़ दोबारा हम शामिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ कसौटी भी होगी। सो डबल द मज़ा होगा। और इस सब में मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, और आज के शो के लिए स्पेशली हमें ज्वाइन किया है मोहसिन भट्टी साहब ने। और हमारे साथ मौजूद हैं दो रेड़ी वाले जिनकी शरबत की रेड़ियां हैं, एक की है पाकिस्तान में और एक की है अफगानिस्तान में, और ये ऑल द वे वहां से आए हैं हमारे शो के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, क्या हाल है? ठीक है भाई साहब? ठीक है, हम बड़े दूर से आए, जैसे बताया भाई जी ने, शरबत वहाँ पे हमारा बिक रहे और अब यहाँ पे भी बेचेगा, खालिस चीज नहीं है, लेकिन आपको मजा नहीं आया फिर बोलना, इतना मीठा कि आपका सोच है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई साहब, विकी आलू बुखारा नाम है मेरा। की विकी आलू बुखारा, आलू बुखारे का शरबत भेजना ना मैं, तो लोग मैनू विकी आलू बुखारा कहते ने। ना तुम विकी लगते हो ना तुम आलू बुखारा लगते हो, जो भी है मेरा काम तो चल रहा ना। चलो अच्छी बात है, खालिस चीजें बेचते हो ना। बस भाई जो जहा माशरा हो जी खालिस चीज। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आप भी एक तरह से हमारी टीम के ना अनऑफिशियल मेंबर हैं, और आज हमारे लिए ये बड़ा खास दिन इसलिए भी है कि आज हम पहला शो जी यहाँ से कर रहे हैं और पहले दिन ही पायोडीन लेके पहुंच गए। आज का मौजू हमारा क्या है, डिस्कशन हमने किस मौजू पे करनी है? सर आज का हमारा टॉपिक है शुगर फ्री आइटम्स, जो हम आजकल डाइट कॉन्शियस बड़े जा रहे होते हैं, तो आज हम क्या जी भट्टी साहब। सर सबसे पहले आफ्ताब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप ना मुझे शुक्रिया कहा करें, मैं आपका छोटा भाई हूँ और मेरे साथ जो नेकियाँ आपने की हुई हैं वो और किसी ने नहीं की हुई, और आज मैं जो मैंने गुजारिश की है कि आप डिजर्व करते थे, मैंने इन्हें मैंने एंडोर्स किया, इनकी शकील साहब जी व्यूअरशिप जो है और इनकी सब्सक्रिप्शंस जो है मैनीफोल्ड ग्रो कर गई, दैट इज वेल डिजर्व्ड, और वेल डिजर्व्ड है, ये होना ही था, मेरे अलावा को और कर देता क्योंकि ये मंजाने बल्ला होता। इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला का फजल तो बिल्कुल है, लेकिन उसने वसीला आपको बनाया। मुझे 8 महीने हो गए थे चैनल बनाए हुए और मेरे 2100 से ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे। अच्छा। उस दिन आफ्ताब साहब ने मुझे कहा कि कितने हैं तेरे, मैंने कहा जी इतने, कहते हैं ले आज भी हम कहते हैं लोगों को, और दुनिया इतना प्यार करती है आपसे। आपने रात को 11 बजे आपने कहा कि जी ये मोहसिन भट्टी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, मैंने भी किया वैन ले जी। अगले दिन सुबह मैं उठाऊ 4500, घंटे बाद 6000, 10000, अगले 4-5 दिनों में 1 लाख क्रॉस कर गए। वाओ ग्रेट, मुझे तो आपने किक कर दिया। भट्टी साहब का चैनल मैं देखा एक दिन, ये 300 जूस वाला डब्बा अगे रख के बैठे से, पता नहीं वेचन लगे से, कले कले जूस न चुक रहे ने, उन्होंने पी रहे ने थोड़ा थोड़ा, शुगर तो थानू होनी चाहिए, इन्हों को भला क्यों नहीं होंगी, क्यों इन्ना बड़ा शरबत पीने तो बाद उसको पायोडीन पी लेते। तो आज फिर आप हमें क्या बता रहे हैं? होता यह है कि नॉर्मली हम अपने ऑफिस में या घर पे स्नैक टाइम के लिए हमने बिस्किट रख छोड़े होते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं हमने ये मीठा बिस्किट नहीं खाना जी, हम नमकीन बिस्किट ले लेंगे या हम शुगर फ्री बिस्किट लेंगे, और वो खा के हम मुतमईन हो जाते हैं। आप हैरान होंगे कि जो शुगर है, हमें बेसिकली इसके लिए थोड़ा सा हमें अपना बॉडी को समझना होगा, हम जो कुछ भी खाएंगे उसने एंड में खून में जब शामिल होना है तो शुगर की फॉर्म में शामिल होना है जी हाँ। अब 1 ग्राम चीनी ले लें या 1 ग्राम आटा या मैदा ले लें, दोनों ने 4 कैलोरीज प्रोवाइड करनी है। अब अगर आपने वो आटा खा लिया, नमकीन खा लिया, शुगर फ्री खा लिया, उसने आपको कैलोरीज उतनी ही देनी जी, है जी जी। और उसमें जब ऑयल डाल देना है तो ऑयल 1 ग्राम जो है या 1 मिलीलीटर जो है उसने 9 कैलोरीज देनी है, चीनी ने और आटे ने 4 और ऑयल ने 9 कैलोरीज देनी है। अब जब भी हम कोई भी केक ले लें, बिस्किट ले लें, वो चाहे नमकीन हो चाहे शुगर फ्री ऊपर लिखा हुआ हो, तो उसमें ये तो हो सकता है कि उसमें उन्होंने चीनी नहीं डाली है, बाकी जो चीज़ें हैं बाकी ने उससे थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा और उसमें कैलोरीज इंटेक उतनी ही ज़्यादा हो जानी है। तो हमें इस धोखे में नहीं आना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है, फिर पाम ऑयल डालते हैं, पाम ऑयल को मना किया गया है कि खाली पाम ऑयल कहीं पर कंज्यूम नहीं हो सकता। आप अगर कहीं से कुकिंग ऑयल लेते हैं तो कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ तरह के हैं, एक कुकिंग ऑयल है ये सनफ्लावर का है, ये कॉर्न का है, ये कैनोला का है, ये सोयाबीन का है, इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, लेकिन एक
कुकिंग ऑयल ऐसी किस्म होती है जिसके ऊपर उन्होंने सिर्फ कुकिंग ऑयल लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता कि ये कौन सा है। अब वो होता है ब्लेंड ऑफ कुकिंग ऑयल। अब उसमें थोड़ा सा सोयाबीन का है, थोड़ा सा कॉर्न ऑयल है, थोड़ा सा उसमें सनफ्लावर ऑयल है और बाकी उसमें पाम ऑयल है। अब उसके लिए जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसने पैमाना वजा किया है, जो स्टैंडर्ड वजा किया है वो है कि 20% से ज्यादा नहीं शामिल हो सकता पाम ऑयल। अच्छा, तो ये बिस्किटों में 100% पाम ऑयल डाल देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है शुगर फ्री बिस्किट और अंदर जब आप उसमें वेजिटेबल फैट देखते हैं ब्रैकेट में, उन्होंने वादे किया हुआ कि हम पाम ऑयल डाल रहे हैं। शुगर फ्री बिस्किट्स का तस्करा तो फिर वक्तन फक्तन होते रहना चाहिए। और ये मेजर मशहूर मेक्स हैं वही बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। अच्छा, नमकीन बिस्किट और चीज है। हाँ। नमकीन बिस्किट और चीज है, शुगर फ्री बिस्किट पहचान है इसी दर उधर लगे हुए। इसका सीधा सा हल है, क्या आप खाना पकाए बेहतरीन तरीके से। अच्छा ठीक है, के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो काले नहीं है तो फिर जाके बाजार से खरीद ले। वाह, ये क्या सुनती यही है। अगर बाजार में भी ठीक चीज ना मिले तो फिर नहीं, फिर हमारा काबुल में तो इस पे डस डस होता है। वो क्या मतलब, एक बार घ्यो लैन गया दो नंबर सी ने जाके तोप चलाती ओदी दुकान पाजी अजरबैजान तो लभी। तुम्हें किसने बताया है कि अजरबैजान उसके बिल्कुल साथ है? एक ईरानियन अजरबैजान है और दूसरा अजरबैजान जो है वो और है। हाँ, वो आर्मेनिया के साथ। अच्छा जी, वो जरा आटे के बारे में। आटे के बारे में देखिए कि आजकल बरसात का मौसम है, आमतौर पे हमारी माएँ बहनें घर पे जब आटा गूंदने के लिए आटे वाले बर्तन में हाथ डालती हैं, आटा निकालती हैं, तो उनके हाथ ऐसे चिपचिपा रहे होते हैं नमी के साथ, जिससे हाथ पे चिपक जाता है। वो नमी नहीं होती है। फिर होता यह है कि आटे के अंदर अगर आपको एक भी सुसरी नजर आ गई है, या आपके आटे से रोटी ठीक नहीं बन रही है, या आपकी उंगलियां ऐसे चिपचिपा रही हैं, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे आटे के साथ कोई गड़बड़ है। तो करना ये चाहिए कि उस आटे का बगौर जायज़ा लें, और आपको उसमें सुसरियां एक दो अगर नज़र आ गई हैं तो वजह ये होती है कि ये जो एक सुसरी है ये अपने लाइफ साइकिल में, जो कि उसका 3-4 महीने का, उसमें उसने 1000 अंडा देना है। और इसका जो अंडा होता है ये जेल नुमा होता है। अब वो जो हाथ डाला उसमें और चिपचिपाया, वो तो उसके अंडे थे जो आपके हाथों को चिपके हैं। आए है। उन अंडों से लार्वे बनने हैं जो सुंडी नुमा होते हैं, जो आपको आम देखने में नजर नहीं आएंगे। तो आप क्या करें, उसको अगर छानेंगे और देखेंगे तो थोड़ा सा आटा चलता हुआ नजर आएगा। बेसिकली वो सुंडियां, वो लार्वे हैं। और ये बहुत कॉमन है। अब उसमें 1000 अंडे उसने दे दिए, उसने आगे से उसमें से फिर आगे कितने निकल रहे हैं, तो लाखों लार्वे और सुंडियां उसमें हम खा जाते हैं। और खास तौर पर इन दिनों में जब बरसात का मौसम है, इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और उस वक्त और ज्यादा केस बढ़ जाते हैं जब हम तंदूर से रोटी लाते हैं। तंदूर में तो आटे की बोरियां पड़ी हुई हैं, और वहां पे तो आपको पता ही नहीं चलता, आपने कौन सा वहां पे चेक कर सकते हैं? घर पे तो आप फिर भी देख सकते हैं जी, वहां पे तो उसको छानने का भी रिवाज नहीं है। वहां पे तो बोरी आई, और पहले तो और तरीके थे आटा गूंदने के, इतनी बड़ी मकदार में, अब खैर जरा मशीन आ गई है। ये बताएं कि इसका इलाज क्या, पहले हमारे होश में हमने देखा है बुजुर्ग खवातीन धूप लगवाया करती थी। इन दिनों में थोड़ी मकदार में आटा लाएं, इसमें जो तेज पात है, तेज पात के पत्ते मिलते हैं, वो एक मलमल के कपड़े में डाल के वो आटे में रख दें। तेज पात, उसकी स्मेल से ये अंदर पैदा नहीं होते हैं। नीम के पत्ते भी कारगर हैं, ये पंसारी से मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं। फिर उसके बाद नीम के पत्ते भी डाले जा सकते हैं, फिर दालचीनी भी डाली जा सकती है, लौंग भी डाला जा सकता है। ये अगर आटे में रख दें, ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये आटे में रखने से उसके अंदर सुंडियां और सुसरियां जो है ये पैदा नहीं होंगी। कपड़े में डाल के तो भट्टी साहब, ये तो आपने आटे में बताया, चावलों में भी इसी तरह सुसरी होती है और बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ अरसे के बाद। चावलों को हम ये कर सकते हैं कि अगर हम चावलों को खालस हल्दी मिले और उसमें हल्दी लगा के चावल स्टॉक कर लें, तो वो उसे सुसरियों से बचा। और चावलों को प्रिजर्व करने के लिए सबसे अच्छा कंटेनर कौन सा है, फ्रिज या कोई स्टील या कोई नहीं, स्टील वगैरह, स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड का, और हवादार जगह पे रखें जहाँ पे नमी ना हो वहाँ पे रखें, और थोड़ी रोशनी आ रही हो जहाँ पे। आई शरबत पे आवा थले रेडी खड़ी एडा ग्लास, तानू आलू बुखारे दा पेश यार मैंने नहीं पीना, यकीन करो तुम्हारी
हालत देख के लग रहा है, तुम्हारे हाथ देख के लग रहा है कि तुम हाइजीन से वाकिफ ही नहीं हो। ये स्क्रीन डालते हैं अंदर, ये शुगर से ज्यादा महंगी, 1000 गुना ज्यादा मीठी होती है। मीठी तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर थोड़ी महंगी भी होगी तो आप उधर से देखें ना इसकी आउटपुट कितनी निकलनी है। फिर उसमें जो लाल रंग देना है वो इसने दुपट्टे रंगने वाला रंग डालना है, इसने कौन सा फूड कलर डालना है। पट्टी साहब, ये जो फूड डिपार्टमेंट है वैसे तो बहुत एफिशिएंट है, इन लोगों पे हाथ डालता है वो, ये जो खांचे वाले इनको, हैं इनको करता है, लेकिन ना ये आगे से गरीब बन गरीब बन के गरीब बन के ये उसका फायदा उठाते हैं। उन्होंने अब ये किया है कि मॉडल फूड स्टॉल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वहां पे उन्होंने इनको ट्रेनिंग भी देनी शुरू किया है कि जो ट्रेनिंग लेना चाहे उसे फ्री में ट्रेनिंग दे रही है पंजाब फूड अथॉरिटी। बड़ी साहब आपके लिए मैसेज है रहीम यार खान यूनिवर्सिटी से, वहां गया हुआ था कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने खास तौर पे मैसेज भेजा उनके फूड एंड न्यूट्रिशन के जो डीन है, उन्होंने कहा भट्टी साहब को कहें कुछ तो हमें खाने दें। जी सर, आप कसौटी की तरफ चलते हैं और हमारे पास हमारे कैफे पेट्रन इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरबाज महमूद है। साथ कौन है? मेरे पापा। अरबाज, आप क्या करते हैं? I'm currently doing a PhD at MIT. What is your age? You're doing PhD? ये 18, 18 साल से कम का, almost 18 साल के हैं. Exactly. और he is doing PhD, FSA, your subject, MIT से नौजवान PhD कर रहा है. He's a very brilliant young Pakistani. मेरी कल भी मुलाकात हुई एक another young Pakistani जो Toronto University में अपनी PhD कर रहे हैं, वो actually chartered accountant है. But now he's doing his PhD in politics. Wow. Yani political science? हाँ, political science. अच्छा, पहले मैं जानना चाहूंगा अरबाज, आपका ताल्लुक जो है वो लाहौर से ही है? नहीं, मैं कसूर से हूँ. थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए. So, आपने शुरू पाकिस्तान में कहाँ से एजुकेशन की? मैंने ए लेवल्स किया था लाहौर से, और उसके बाद मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था. मैं दुनिया में सबसे कम उम्र एज के ऊपर पीयर रिव्यूड रिसर्च पब्लिश की थी मैंने फिजिक्स के अंदर. तो उसके बाद MIT और अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी ने उसे पिकअप कर लिया, एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ चांस टू डू PhD. अच्छा, तो कितनी उम्र में थे जब आप गए, जब आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया? आई वॉज 14 एट दैट टाइम, 14 साल. इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती बुनियादी तालीम की, कि आपकी बेसिक्स जो है आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही PhD करते हैं? नहीं, एक्सेप्शनल टैलेंट की बेसिस के ऊपर US के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है डायरेक्टली PhD के अंदर. अच्छा, वाह. Another Arfa Kareem in the making. किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं अरबाज साहब PhD? सिस्टम्स इंजीनियरिंग. मैं भी पढ़ना है पाजी जी. अच्छा, मेरी जिंदगी के आखिरी 10 साल होने ना. अच्छा, तो मैं भरपूर पढ़ना. तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ना शुरू. तुम चाह रहे हो मेरी जिंदगी के आखिरी 10 साल होने ही शुरू हो जाए? नहीं यार, साथ साथ पढ़ते रहो. अच्छा जी अरबाज, ये बताइए शख्सियत मर्द है? Yes. जिंदा? No. एशियाई? No. ताल्लुक अमेरिका से? No. यूरोप से? Yes. सेंट्रल यूरोप से? Exactly. ग्रेवियार्ड शिफ्ट पे आइए पहले. अरबाज साहब, इस शख्सियत के इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी बिल्कुल, 1972 से पहले. अरबाज हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग में PhD कर रहे हैं, वो भी MIT से. जर्मनी है, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग का शोभा होगा. 150 साल पे जाए. अरबाज साहब, इनकी इंतकाल को 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं बिल्कुल नहीं. अब आ जाए 100 पे. 100 साल से ज्यादा? नहीं. ओके, 1922 के बाद. 22 के बाद. अब इसका मतलब ये तो कंफर्म्ड है ना कि ना स्पोर्ट्स है ना शोबिज़ है, ऐसे ही है ना जी? श्योर. तो ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है. मैंने पहले आपसे कहा था 10 सवाल और ये हुए 50 साल से ऊपर या 100 साल. फिजिक्स की तरफ जाया जाए, क्या ख्याल? हाँ, फिजिसिस्ट भी हैं, जर्मन फिजिसिस्ट बहुत हैं. बहुत है, जर्मन ने रॉकेटरी में भी बड़ा काम किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, स्पेशली उसके बाद जो अमेरिका का अपोलो प्रोग्राम था, जो उनका स्पेस का प्रोग्राम जेमिनी, उसमें भी जर्मन इंजीनियर्स का दखल था. और बहुत सारे जर्मन हैं जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए. जी बिल्कुल, कुछ ईस्ट में भी गए लेकिन ज्यादातर वेस्ट की तरफ ही आए. एक तो देखें, अल्बर्ट आइंस्टाइन आल्सो फॉल्स विद इन दिस कैटेगरी.
इसको नैरो डाउन करें, नोबेल प्राइज पे ले आए। अरबाज साहब, इस शख्सियत को नोबेल प्राइज मिला नहीं? So that eliminates Einstein. Yeah. All those 28 scientists who were seen in that picture, that famous picture. हाँ, वो नहीं है। ये कैसे हो सकता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नोबेल विनर ना हो। मैंने आपसे कहा ना, रॉकेटरी में जैसे वर्नर वॉन ब्रॉन है, he was never a Nobel winner, but very big name, बहुत बड़ा नाम। अच्छा जी, ताल्लुक पहले डिटरमिन कर लेना है। Have we determined, is it Germany? सिर्फ सेंट्रल पूछा है। सेंट्रल पूछा है। FSJ जर्मनी को मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी होगा। जर्मनी ही होगा। So you don't suggest we should waste a question on this? देखिए, जर्मनी ऑस्ट्रिया बोथ काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड, दोनों में काफी लोग रहे हैं। यही थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। इस पीरियड में कोई मैथमेटिक्स में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में भी ज्यादा बड़े जर्मन नाम नहीं है, क्योंकि टाइम फर्मी है, उसके बाद ओपेनहाइमर है, ये लोग हैं। देखिए जी, हम नैरो डाउन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अरबाज साहब, ताल्लुक जर्मनी से है? नो, जर्मनी से ताल्लुक ही नहीं है। ले, जर्मनी नहीं तो फिर ऑस्ट्रिया मोस्ट प्रोबेबली। पोलैंड आल्सो। ताल्लुक अरबाज साहब ऑस्ट्रिया से है? यस। ये ना नो क्लॉक के इन्वेंटर का पूछ लिया हो इन्होंने। तो बहुत पहले होंगे। टेक्नोलॉजी का डिटरमिन कर लेना कि कौन सी टेक्नोलॉजी। कितने सवाल हुए हैं? 13 क्वेश्चंस, 13 सवाल। देखें, एक तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है जी। एक है आपकी एविएशन, एक है आपकी जो जैसे मैंने कहा रॉकेटरी वगैरह है, ठीक है ना। तो वो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। दिस नैरोड जी, प्लीज। अच्छा, इसमें एफएसजे क्या साइको एनालिसिस वगैरह जो है वो आउट है इसमें से? सेगमेंट फ्रॉइड, ही इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी में से फ्रॉइड नहीं हो सकते। साइंस तो है, टेक्नोलॉजी नहीं है। साइंस तो, लेकिन ये हम जैसे सियासत और हुकूमत पूछ बैठते हैं, वो निकलता हुकूमत का है, हम सियासतदान के पीछे पड़े रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पूछनी चाहिए। साइंस इज डिफरेंट, टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। और साइंस का मतलब होता है इल्म। तो yes, हम इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, मतलब नेचुरल साइंसेज या सोशल साइंसेज। जी जी जी। तो ये मेरे ख्याल पूछा जा सकता है। अरबाज साहब, इनका ताल्लुक सोशल साइंसेज से है? यस। वाओ, हम उधर जा रहे थे। जी जी जी। साइको एनालिसिस की वजह से बहुत मशहूर है ये। यस। आपने सिगमंड फ्रॉयड पूछा। यस। वरना हम होते खाते रहते टेक्नोलॉजी की तरफ। फ्रॉइड का जो सबसे मशहूर है ना, वो ईडिपस कॉम्प्लेक्स है। yes. जी जी जी। जो कहा जाता है कि एक्चुअली वेरी, इट्स एन अनफेयर कंपैरिजन, क्योंकि ईडिपस जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी से yeah. एक है और ही एंडेड अप मैरिंग हिज ओन मदर प्योरली बाय एक्सीडेंट। और जब उसको पता चला तो उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी। yes. लेकिन फ्रॉइड ने उसको साइको एनालिसिस में जो कनेक्शन होता है बिटवीन अ मदर एंड हर सन, उस पे उसको डाल दिया कि ये ईडिपस कॉम्प्लेक्स है। इज देयर नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस? इन हाउस। सो फास्टन योर सीट बेल्ट। जी मर्द जी, जिंदा जी, एशियाई? नो, एशियाई नहीं पूछते। एक मर्द जो जिंदा है, एशियाई नहीं है। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। यूएस से? जी सर। दो क्वेश्चन बच गए। ये वैसे ना पूछा करें, यूएसए ना कहा करें, हमेशा अमेरिका पूछें। yes. फिर यूएसए पे जाएं। वो हो सकता है कोई जमैकन होता। yes. तो वो कहता जी नहीं, right. यूएसए नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते। अच्छा, एक जिंदा शख्स जिसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से, सियासत हुकूमत से ताल्लुक? जी। यानी वजह शोहरत यही है। वेरी गुड, वेरी गुड। डोनाल्ड डू साडा ब्रा। वो हो चुका है सर। डोनाल्ड डू हो चुका।
है तो फिर बाइडन है, बिल्किन है, ओबामा है, ये बड़े बड़े नाम है। ये पूछा जा सकता है कोई रिटायर्ड पर्सनालिटी? एक तो वो है ना अपने बुश, क्लिंटन्स भी हैं सर, कॉलिन पावल भी है। कॉलिन पावल इज डेड, वो 21 में उनकी डेथ हो गई थी। या प्रेसिडेंट का पूछ लेना। नहीं सर, प्रेसिडेंट नहीं पूछेंगे ये। हाँ, रिटायर्ड प्रेसिडेंट को ही ये पूछा जा सकता है, कोई ऐसी शख्सियत जो इस वक्त रिटायर्ड है। आप अगर पूछेंगे कि पहले तो ये डिटरमिन करें कि अगर वो सियासी शख्सियत है तो जाहिर है दोनों पार्टियों में से एक से ताल्लुक होगा, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ठीक है ना जी। तो अगर कोई डिप्लोमेट है तो उसमें ये दिस डिस्टिंक्शन विल नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगी, डिप्लोमेट पे भी नहीं होगी, इवन एडमिनिस्ट्रेटर पे भी नहीं होगी। कोई आपका कोई जो है कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी है, एडमिनिस्ट्रेशन ये इसने अली इसने ने पूछा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो एक जस्टिस बना था हाईकोर्ट का, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जिसकी काफी ज्यादा स्क्रूटनी हुई थी फ्रॉम द सेनेट कमेटी, थॉमसन थॉमस समथिंग, जिसको रुला दिया था सेनेट ने, इतना इतने टफ क्वेश्चंस पूछे थे। बिल्कुल, वो इज वेरी कंजर्वेटिव। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, तो रिटायर्ड प्रेसिडेंट को पहले एलिमिनेट चले, ठीक है। अच्छा जी, प्रेसिडेंट नहीं मतलब वो पूछें कि सियासी शख्सियत, ये ना हो कि हुकूमती शख्सियत पूछी। लेकिन साहब सियासी तो हो चुका है ना, सियासत तो हुकूमत हो चुका। नहीं नहीं नहीं, कोई हो सकता, हो सकता है कोई जज पूछा हो, कोई जज हो, कोई डिप्लोमेट हो, वो हुकूमती शख्सियत तो है, तो पहले सियासी पूछे। अच्छा जी, प्योर पॉलिटिकल पर्सनालिटी है? नो सर। देखा ना, ये भी एक तीर बहादुर क्वेश्चन है, अदरवाइज हम गोते खाते रहते इधर उधर। हाय अल्लाह। यस, जुडिशरी, ये आपने सवाल किया? नहीं, मैंने आपसे सवाल नहीं किया। अब जुडिशरी में जो मोस्ट फेमस जज है वो तो वही है मेरा ख्याल, जो हम पहले कर चुके हैं, जस्टिस कैप्रियो, फ्रैंक कैप्रियो, एंड ही इज ओवर 70। ये कोई मोस्ट प्रोबेबली डिप्लोमेट है यूएन में या पाकिस्तान के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हवाले से। अब ये किया जाए जी कि डिप्लोमेट हैं कोई या फिर जज होंगे, मोस्ट प्रोबेबली या डिप्लोमेट जी, कोई डिप्लोमेट है? नो, डिप्लोमेट नहीं है। अच्छा, एक तो वो था जी जो बड़ा फेमस जनरल मैक्रिस्टल जो था, या अफगानिस्तान में, दैट्स राइट, ही क्रिटिसाइज्ड ओबामा, या और ओबामा ने उसको कॉल किया था, उसको कहा कि आप बड़ा अच्छा आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन जो बयान आपने दिया है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पूछे जी एक्स फौजी, मिलिट्री जुडिशरी, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। अच्छा जी, ताल्लुक को मिलिट्री बैकग्राउंड है इनका? जी सर। लो जी, मिलिट्री बैकग्राउंड, ये वो जो एक जनरल था जो मुस्लिम नेम था जिसका, अभी जैद समथिंग, अभी जैद, जनरल अभी जैद, दैट रिंग्स अ बेल। सेंट कमान का हेड रहा वो, सेंट कॉम का बिल्कुल हेड रहा, एंड ही वाज अ हार्वर्ड ग्रेजुएट। यस, बट ही वाज नॉट अ मुस्लिम, प्रोबेबली ही वाज नॉट अ मुस्लिम, प्रोबेबली अ क्रिश्चियन, लेबनीज मैरोनाइट। अच्छा जी, American military officer who is alive. अभी जैद भी है, क्रिस्टल भी है, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोमिनेंट हुआ था क्योंकि उसको ओबामा ने फायर किया था। वो और था, वो तो मैक्रिस्टल था ना, मैं मैक्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ जूनियर ऑफिसर हो, जनरल ऑफिसर पूछ ले। एक तो ऑलिवर नॉर्थ भी है ना, वही हो सकता है फिर, या ऑलिवर नॉर्थ है, ही वाज अ कर्नल इन द 80s, कर्नल ऑलिवर नॉर्थ, ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल, ईरान गेट स्कैंडल। अच्छा जी, किसी बड़े स्कैंडल के साथ ताल्लुक है इनका? जी सर। कर्नल के ओहदे से रिटायर कर दिए गए थे? नो सर। कर्नल ओलिवर नॉर्थ नहीं है? ये ओलिवर नॉर्थ नहीं है जनाब। अब आप स्कैंडल की तरफ आइए, बड़ा स्कैंडल जो है, एक तो वो था ना जो बाद में CIA का हेड भी बना था, वो जिसकी ईमेल्स थी व्हिच ही वाज एक्सचेंजिंग विद हिज मिस्ट्रेस, वो मैं कहूं क्रिस्टल, वही तो मैं क्रिस्टल था। हाँ, नहीं, मैक्रिस्टल नहीं था वो दूसरा था जो CIA का हेड भी बना था, मैक्रिस्टल को तो सिर्फ डिसमिस किया गया था, ही वाज द हेड ऑफ CIA। अच्छा जी, हेड ऑफ CIA थे? नो सर। नो सर, नो, नहीं। क्वेश्चन कितने हो? अच्छा, फिर ये अब तो मैक्रिस्टल रह गया। 12 सवाल, मेरे ख्याल वही क्वेश्चन के अफगानिस्तान में सर्व किया, दैट विल नेल इट डाउन, और डिसमिस्ड बाय President Obama. Yeah. लेकिन चलें इस पे करें। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान में सर्व किया? नो सर। अब देखें,
ये तो डिटरमिन हो गया कि मिलिट्री पर्सनालिटी तो डिटरमिन कर ली, ये भी हो गया क्योंकि स्कैंडल था, जनरल मैकक्रिस्टल भी इलिमिनेट हो गए और जो सीआईए के हेड थे पेट्रियस, डेविड पेट्रियस ये थे, वो भी इलिमिनेट हो गए। अब स्कैंडल, अच्छा हमने ये डिटरमिन नहीं किया कि सीनियर ऑफिसर है जूनियर ऑफिसर है, ठीक है, ये भी हमें नहीं पता अभी, क्योंकि वॉर क्राइम्स जो हैं वो नॉर्मली बहुत सीनियर ऑफिसर्स नहीं होते, फील्ड में होते हैं, वो उन्हीं से कमिट होते हैं। ये एफएसजे कोई जनरल नहीं लगता मुझे, है ना? एफएसजे वो जो बंदा भागा हुआ है वो भी तो डिफेंस का ही था ना, वो जो इसने लीक्स कर दी थी इतनी। स्नोडन इज नॉट मिलिट्री। क्वेश्चंस कितने हुए जी? 13 क्वेश्चन। मिलिट्री एंड अलाइव, एडमिरल मलन, मलन का कोई स्कैंडल नहीं है ना, तो आई मेमो गेट, मलन के साथ ताल्लुक उसका बन जाता है। मलन इज द वन, आई टेल यू, यस, एडमिरल मलन। आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन सर। अच्छा जी, बोलिए, हुसैन अकानी से पकड़े। अच्छा जी, बदनाम जमाना मेमो गेट स्कैंडल से ताल्लुक था जी सर? कोई नेवल ऑफिसर थे जी सर? एडमिरल मलन जी सर? वाह वाह। एडमिरल मलन जो है ये उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे यूएसए के, और ये 2011 का वाकया है जब रेड हुआ एबटाबाद में और उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया, और ये उस वक्त जो है हुसैन अकानी ने इनको लेटर लिखा था उस इंसिडेंट के 2-3 दिन बाद, और बेसिकली कहा ये जाता है कि उन्होंने कहा था कि आप इंटरवीन करें टू प्रोटेक्ट प्रेजिडेंट जरदारी, जरदारी प्रेसिडेंट थे, और उसमें बड़ी फेमस लाइन थी एक जो सिर्फ हुसैन अकानी लिख सकता था, और वो लाइन थी दिस इज अ 1971 मोमेंट। बहुत उस पर काफ़ी कुछ हुआ था, केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इजाज अमेरिका से वो एक बिजनेसमैन थे जिनको ये अकानी ने लेटर भेजा था, उनके थ्रू वो एडमिरल मलन के पास वो लेटर भेजा गया था, और उनका ब्लैकबेरी जो है वॉल स्ट्रीट जनरल वाले, हाँ वो आई थिंक मुझे उनका नाम मंसूर एजाज, मंसूर एजाज, बिल्कुल मंसूर एजाज वॉल स्ट्रीट जनरल में लिखते थे, और उसके बाद से गायब है बिल्कुल, उनका तस्करा ही नहीं होता। लेकिन ये आर्टिकल मेरा ख्याल किसी ब्रिटिश पेपर में छपा था। नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा था, ये बिल्कुल आई थिंक अमेरिकन न्यूज़पेपर में छपा था, मोस्ट लाइकली न्यूयॉर्क टाइम्स में, आई एम नॉट श्योर, या वॉशिंगटन पोस्ट में, दोनों में से एक था। और हुसैन अकानी इज बैक इन द न्यूज विद द रिजीम चेंज। ही इज द नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। इन हाउस अच्छा जी, शख्सियत मर्द क्यों जी, ठीक है, जिंदा जी, ताल्लुक एशिया से जी, साउथ एशिया जी, पाकिस्तान जी, पाकिस्तानी शख्सियत जो जिंदा है जी, जिंदा पाकिस्तानी मर्द, इल्म फजल से स्टार्ट करें, ताल्लुक इल्म फजल से जी। अब इल्म फजल से ताल्लुक है तो वी हैव टू डिटरमिन कोई अदीब है, कोई मुहक्किक है, हिस्टोरियन है, प्रोफेसर है। अच्छा जी, कोई अदीब है? नो सर। देखें ना, शायर भी गए, अफसाना निगार भी गए, नॉवल निगार भी गए, अब रह गए मुहक्किक, अच्छा हिस्टोरियंस। आई हैव अ फीलिंग ये स्वीडन में तो नहीं होते, डॉक्टर इश्तियाक? नहीं, वो मेरे ख्याल में नैरो डाउन करना पड़ेगा जी, तो मुर्रिख है, हमें तारीख के हवाले से पूछना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी जबरदस्त जी बड़ी बाकमाल उनकी तहरीर है, बहुत शानदार है। द गैरिसन स्टेट का ही बिल्कुल कोई जोड़ नहीं, पंजाब का बंटवारा का कोई जोड़ नहीं, सबसे तफसीली किताब है सर पार्टीशन के फसादात पे। हाँ, अच्छा जनाब, इज ही अ हिस्टोरियन? नो सर। ओके, कॉलम निगार देखा जाए तो ज्यादातर अदीब ही हैं, इल्म व फजल से ताल्लुक, मजहब का मेरे हमने पूछा जा सकता है, कोई मजहबी शख्सियत डॉक्टर साहब? नो सर। मीडिया शख्सियत है, मीडिया से ताल्लुक है,
इन ऑल प्रोबेबिलिटी कोई कॉलम नवीस कोई कॉलम निगार है जी सर मशहूर कॉलम नवीस अभी कौन है सारे अदीब है मैंने कहा जितने मशहूर कॉलम नवीस हैं सारे अदीब हैं ये कोई नया कॉलम निगार हो मतलब अताउल्लाह कासमी नहीं हो सकता जावेद चौधरी हो सकता है नज़ीर नाजी की किताब नहीं वैसे छपी कोई कॉलमों की नज़ीर नाजी बाय द वे शायर बहुत अच्छा शायर तो ये जो नए कॉलम नवीस हैं जावेद अयाज़ अमीर की है कोई किताब आई थिंक अयाज़ ने भी किताब लिखी हुई है आई डोंट थिंक सो अयाज़ अमीर का कॉलम बहुत शानदार होता है जी खास तौर पे जो डॉन में उनका कॉलम छपता था बस वही था वही असल उनकी और वो इसलिए नहीं हो सकता कि वो तो टीवी शख्सियत यस जावेद चौधरी इज अ टीवी शख्स हां वो भी टीवी पे है दैट्स राइट मैं अर्ज कर रहा हूं आप इवन नज़ीर नाजी जो है वो टीवी करते रहे हैं ये कोई और कॉलम निगार जो क्वेश्चंस रख साहब कितने हुए हैं 11 क्वेश्चन नेम वन जो कॉलम निगार है लेकिन टीवी पे भी आते हैं मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ना कोई नाम लो ना नज़ीर लगारी कराची टीवी पे आते हैं वो कराची बेस्ड है ये डिटरमिन कर लें कि इन्होंने जिस बंदे का पूछा है वो टीवी पे भी आते हैं वो टीवी पे भी आता है या यूट्यूब पे आता है उसका यूट्यूब चैनल हो सकता है अदरवाइज कोई बंदा सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे रडार से निकल जाए मानने वाली बात ही नहीं अच्छा जी कोई यूट्यूबर है नो सर सर ये मेरे ख्याल टीवी वाला जो है ना इसको भी रूल आउट करना पड़ेगा इज ही डूइंग अ टीवी शो नो सर सवाल कितने हुए सर 13 क्वेश्चंस 13 सवाल तो अब टीवी शो नहीं है जी टीवी शो नहीं है नहीं है सिर्फ कॉलम नवीस हैं जी आपने कोई कॉलम का पूछा अंग्रेजी कॉलम नवीस राशिद रहमान ही डजंट डू अ टीवी शो तो अब जगह अगर उसको हम करें वो लाहौर से ताल्लुक भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इस वक्त लाहौर में रहते हैं नो सर शाहीन सबाई टाइप शाहीन सबाई लिव्स इन अमेरिका शाहीन सबाई नाम भी बड़ा है और ही एक्चुअली फिट्स द बिल ही डजंट डू अ टीवी शो वो कॉलम निगार के तौर पे नहीं जाने जाते इज अ रिपोर्टर और वो एक रिसाला भी निकालते थे वहां से न्यूज के एडिटर हैं हां जी द न्यूज के एडिटर हैं ये डेफिनेटली अंग्रेजी अखबार का बंदा है अच्छा जी इज ही एन इंग्लिश जर्नलिस्ट जी सर डेली न्यूज के एडिटर रहे हैं नो सर क्वेश्चंस कितने हुए 16 सवाल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ वी आर इन द डेंजर जोन अंग्रेजी सहाफत का बंदा अब पकड़ा गया पकड़ा जाएगा फिक्र ना करो ये बंदा एक मुशाहिद हुसैन तो सियासत पूछा था आपने पहला सवाल इल्म व फज़ल से किया था मुशाहिद हुसैन से ज्यादा फहद हुसैन की तरफ ध्यान जाता है सर क्या बातें कर रहे हैं अच्छा एक और है सिरिल अल्मेडा यस सिरिल डॉन लीक्स एंड ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ लम्स अच्छा जी किसी सहाफती स्कैंडल से मुतालिक है जी सर डॉन लीक्स के साथ ताल्लुक है जी सर ये गोन कम्युनिटी से हैं जी सर गुड FSJ वेरी गुड ये बिल्कुल मखफी था मेरा दिमाग बिल्कुल उधर नहीं था शकील साहब भी बिल्कुल उधर से मिले थे गुड पर्सनैलिटी अच्छा FSJ ये भी नहीं अब कहेंगे कि नॉट गुड पर्सनैलिटी ऑल्दो ही डजंट लाइक द पर्सनैलिटी अब चलते हैं अली अवैस के गाने की तरफ आज मुश्किल था संभलना जब याद आया वो तेरी याद अब याद आया
दिल धड़कने का सबब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा ए शब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। सुनाते लेकिन हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, जब वो रुख सत तब याद आया, जब वो रुख सत हुआ तब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का गुल में नासिर, बैठ कर साया गुल में नासिर, हम बहुत याद थी अब याद।